हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टेक बाइट्स। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप फिल्डर और एंड्रॉइड एमुलेटर का यूज करके अपने मोबाइल ऐप्स के ट्रैफिक को कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस बना चुका हूं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि किस तरह से आप मेमो प्ले और फिल्डर का यूज करके अपने मोबाइल ऐप्स के ट्रैफिक को कैप्चर कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ मेमो प्ले के साथ करके दिखाया था, पर मेमो प्ले की सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि मेमो प्ले पे जो एंड्रॉइड का वर्जन है जो हम यूज करते हैं अपनी एप्स को इंस्टॉल करने के लिए वो काफी ओल्ड है। मेमो प्ले रन करता है एंड्रॉइड 7 पे। देखिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, मेमो प्ले मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे ओपन है। इसकी सेटिंग्स पे जाके अगर मैं आपको इसमें एंड्रॉइड का वर्जन चेक कराऊं तो इसमें एंड्रॉइड का वर्जन जो है वो काफी ओल्ड है, उसमें एंड्रॉइड वर्जन 7.1.2 है। यानी ये एंड्रॉइड 7 पे वर्क कर रहा है जो काफी आउटडेटेड हो चुका है और काफी ओल्ड हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों ये आती है कि कुछ एप्स ऐसी हैं जो एंड्रॉइड 7 पे वर्क नहीं करती हैं, जिनको यूज करने के लिए आपको एंड्रॉइड 7 से अबव का वर्जन चाहिए, तो वो एप्स को इंस्टॉल करने का ऑप्शन ही आपको मेमो प्ले पे नहीं मिलेगा। और अगर मेमो प्ले पे उसको इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल भी रहा है तो वो ठीक से यहाँ पर एंड्रॉइड 7 पे वर्क नहीं करेगी, तो उसका आप ट्रैफिक क्या कैप्चर कर पाओगे? ट्रैफिक कैप्चर करना तो दूर की बात है, वो ऐप ही आपकी एंड्रॉइड 7 पे प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक दूसरे एंड्रॉइड एमुलेटर पे सब कुछ करके दिखाऊंगा जिसमें लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 है इंस्टॉल्ड और बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन पे हम सब कुछ करेंगे। तो चलिए मैं साइड बाय साइड आपको दोनों एंड्रॉइड एमुलेटर्स ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए मेमो प्ले तो ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड था और एक और मैंने नया एमुलेटर जिसके बारे में मुझे अभी भी पता लगा था तो मैंने वो इंस्टॉल किया हुआ है। देखिए ये है वो, तो इसका नाम है मूमू प्लेयर एक्स। अभी मैं सारा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सब दे दूंगा कि कहां से आपको डाउनलोड करना है और कैसे करना है। सब कुछ डाउनलोड एंड इंस्टॉल बिल्कुल सिंपल है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि ये जो मूमो प्लेयर है ये बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पे काम करता है। इसमें एंड्रॉइड का वर्जन जो है बिल्कुल लेटेस्ट है। देखिए मैं अभी आपको सामने दिखा रहा हूँ कि अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉइड वर्जन जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस समय वो है एकदम लेटेस्ट 12। ये एकदम लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन पे वर्क करता है, तो यहाँ पे हमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जो हमें मेमो प्ले पे आ सकती है कि अगर आपको कोई लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन में कोई ऐप इंस्टॉल करनी है और चलानी है तो आप इस वाले एंड्रॉइड एमुलेटर पर उसको बड़ी आराम से रन कर पाएंगे। चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक चीज दिखाता हूँ। अभी सपोज मैं इसमें हम चलते हैं प्ले स्टोर पे और यहाँ पे मैं आपको एक ऐप सर्च करके दिखाता हूँ। सपोज फ्लाई डेल्टा, ये एक एयरलाइन बुकिंग ऐप है और यहाँ पे देखिए आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन 12 पे आपको सर्च में मिल जाएगी और यहाँ पे आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन भी दे देगा, क्योंकि ये जो एमुलेटर है ये चलता है एंड्रॉइड 12 पे जो कि लेटेस्ट वर्जन है। ये देखिए इसको इंस्टॉल करने का ऑप्शन भी हमारे पास आ रहा है। अब यही सेम चीज मैं आपको अगर मेमो प्ले पे दिखाऊं तो ये एप्लीकेशन आपको मेमो प्ले के प्ले स्टोर पे सर्च में ही नहीं आएगी क्योंकि इसमें एंड्रॉइड 7 इंस्टॉल्ड है और एंड्रॉइड 7 पे ये ऐप सपोर्टेड नहीं है, तो आप इसको यहाँ पर ढूंढते रह जाएंगे, आपको ये ऐप यहाँ पे नहीं मिलेगी। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं सर्च कर रहा हूँ और सर्च में नहीं आ रहा है। तो इसलिए दोस्तों मैंने ये नया वीडियो बनाने की सोची जिसमें मैं आपको कंप्लीट स्टेप्स इस नए एमुलेटर के साथ करके दिखाऊंगा कि कैसे आप एंड्रॉइड 12 पे अपने मोबाइल ऐप्स का ट्रैफिक कैप्चर करेंगे। मेमो के स्टेप्स तो आप जानते हैं, उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है और जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं वो जानते हैं कि मेमो प्ले पे कैसे करना है। जिन्होंने नहीं देखे उनके लिए मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप सब कुछ देख सकते हैं कि कैसे आप मेमो प्ले के साथ अपने मोबाइल ऐप्स का ट्रैफिक कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए मेमो प्ले को फिलहाल अभी हम कर देते हैं क्लोज, क्योंकि इस वीडियो में मेमो प्ले का कोई काम नहीं है। ये पूरा वीडियो हम करने वाले हैं इस नए एमुलेटर पे जिसका नाम है मूमू प्लेयर एक्स। दोनों के नेम्स में थोड़ा सा ही फर्क है, वो था हमारा मेमो प्लेयर और ये है मूमू प्लेयर। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ से आपको उसको डाउनलोड करना है। लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लिंक की मुझे चिंता बिल्कुल मत करना। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो है moomoo.global.com और ये कम्प्लीटली फ्री है, कोई चार्ज इसको इंस्टॉल करने पर नहीं आएगा। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आप देख लीजिए URL अभी ओपन है मेरा moomoo.global.com। यहाँ पे जाने के बाद आपको जो इंस्टॉल करना है वो आपको ये वाला करना है, दिस वन जो मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है मूमो प्लेयर एंड्रॉइड एक्स, ये वाला आपको इंस्टॉल करना है। ये बिल्कुल इस समय लेटेस्ट है और ये एंड्रॉइड 12 के साथ आएगा।
इसको इस बटन पे क्लिक करते ही आपका इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा, और इंस्टॉलर पर डाउनलोड होने के बाद वो आपका इंटरनेट से डाउनलोड करेगा और वहां से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, 15 से 20 मिनट, आपकी इंटरनेट की स्पीड और आपके लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करेगा कि आपको इंस्टॉल करने में कितनी देर लग रही है। तो वंस आप इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें प्ले स्टोर आपको प्री इंस्टॉल मिलेगा, आपको प्ले स्टोर अलग से कहीं से डालना नहीं पड़ेगा, प्ले स्टोर पहले से इसमें प्री इंस्टॉल्ड है, उस पर क्लिक करके आप उसको उसमें अपना जीमेल आईडी डाल के उसको कंसिडर कर लेंगे। वो सारे स्टेप्स आपको पहले से पता है, मैंने पहले ये बता रखे हैं, तो इसलिए उन स्टेप्स को मैं इस वीडियो में दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें इसमें डालनी पड़ेगी वो हमें डालनी पड़ेगी क्रोम ब्राउजर, जैसे कि हमेशा हमें चाहिए होता है। तो मैं क्रोम यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ आपके सामने, मैं इसमें क्रोम इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि क्रोम की हमको जरूरत पड़ेगी, और क्रोम इंस्टॉल होते ही मैं आपको आगे के स्टेप्स बताता हूँ। तो चलिए जब तक क्रोम इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको बता दूँ, तब तक हम बताते हैं कि फिल्टर पे आपको क्या क्या सेटिंग करनी होगी इसको कैप्चर करने के लिए ट्रैफिक को। तो फिल्टर मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, फिल्टर क्लासिक, और फिल्टर क्लासिक भी कहाँ से डाउनलोड करना है वो लिंक भी सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कम्प्लीटली फ्री है, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। तो फिल्टर ओपन करने के बाद आपको जाना पड़ेगा टूल्स पे, और टूल्स पे जाने के बाद आपको ओपन करना होगा ऑप्शंस, और यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेंगी अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। तो आप जाएंगे अपने HTTPS वाले टैब पर, और यहाँ पे आप ये डिक्रिप्ट HTTPS ट्रैफिक वाला जो चेकबॉक्स है इसको आप इनेबल कर लेंगे, बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल रहता है। इसको इनेबल करने के बाद आपके सिस्टम पे कुछ डायलॉग बॉक्स आएगा जिसको आपको ओके करते जाना है, तो कुछ सर्टिफिकेट आपके सिस्टम पे इंस्टॉल करेगा, तो आपको हर एक पे ओके क्लिक करना है, आपको कुछ भी कैंसिल नहीं करना है। तो जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, तो ये सब जब आप फर्स्ट टाइम अपने सिस्टम पे करेंगे तो आपका ये अनटिक होगा, आपको इन दोनों को यहाँ पर टिक कर देना है। कैप्चर HTTPS कनेक्ट भी आपका चेक रहना चाहिए, उसके नीचे जो डिक्रिप्ट HTTPS ट्रैफिक वाला ऑप्शन है ये वाला, ये भी आपका इनेबल्ड रहना चाहिए। तो इसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। चलिए हम चलते हैं फिर से फिल्टर पे, इसको मैं बंद कर देता हूँ। हम फिर से जाएंगे टूल्स पे, अगेन ऑप्शंस, और हम जाएंगे कनेक्शन वाले टैब पे। कनेक्शन वाले टैब पे आपको ध्यान रखना है कि अलाउ रिमोट कंप्यूटर्स टू कनेक्ट वाला ऑप्शन इनेबल रहना चाहिए, अगर ये इनेबल नहीं होगा तो आप ट्रैफिक कैप्चर नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो पोर्ट नंबर डिस्प्ले हो रहा है, ये पोर्ट नंबर भी आपको ध्यान रखना है कि आपके सिस्टम में यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है। जैसे मेरे सिस्टम में 8888 आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके सिस्टम में कोई डिफरेंट पोर्ट नंबर आ रहा हो, तो जो भी पोर्ट नंबर आपके सिस्टम में डिस्प्ले हो रहा है वो पोर्ट नंबर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका यूज हमें आगे करना है। तो चलिए ये सेटिंग करने के बाद अब हम इसको कर देते हैं बंद, और मैं आगे की चीज आपको बताता हूँ कि हमें क्या करना है। फिल्टर को अभी हम ओपन रहने देंगे, इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। देखिए मेरा क्रोम भी इंस्टॉल्ड हो चुका है। उसके बाद हमें अपने सिस्टम का IP एड्रेस पता करना है, तो उसके लिए आप सिंपली CMD ओपन कर लीजिएगा अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे जिस पे भी आप काम कर रहे हैं। और CMD ओपन करने के बाद आपको एक कमांड टाइप करनी है जिसका नाम है IP config। ये सब मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखा है, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको ऑलरेडी सब कुछ पता होगा। आपको यहाँ पे IP config टाइप करना है और एंटर प्रेस कर देना है। अब जैसे IP config टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका IP एड्रेस डिस्प्ले कर देगा। देखिए यहाँ पे जो मेरा IPv4 एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है वो है आपके सामने शो हो रहा होगा 192.168.0.103। तो ये मेरा IP एड्रेस जो इसमें यहाँ पे आ रहा है वो ये आपको याद रख लेना है, कहीं पे नोट कर लेना है, क्योंकि इसकी भी जरूरत हमको पड़ेगी। ये सब करने के बाद अब देख आगे डिस्कस करते हैं। अब आपको यहाँ पे एक सेटिंग को इनेबल करना है अपने मूव प्लेयर पे। तो देखिए टॉप पे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जिसपे मेरा समय माउस का पॉइंटर है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके आप सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे, ये जो मैंने अभी इस समय अपनी स्क्रीन पे हाईलाइट किया हुआ है। इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको, इसको ओपन करना है सेटिंग्स को, और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन होगा रूट परमिशन, बाय डिफॉल्ट जो है ये अनटिक होगा जब आप फर्स्ट टाइम अपना ये ओपन करेंगे। अभी मैंने इसको इनेबल किया हुआ है तो आपको भी इसको इनेबल कर लेना है, क्योंकि अगर आप रूट परमिशन इनेबल नहीं करेंगे तो आगे के स्टेप जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके सिस्टम पे वर्क नहीं करेंगे। तो आपको रूट परमिशन को इनेबल जरूर कर लेना है यहाँ पर। ये मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, मैंने मेमो प्लेयर में भी ये बताया था, और मैंने जेनी वर्शन पे वीडियो बनाई थी मैंने उसमें भी ये बताया था। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि रूट आपको इनेबल रखना है अपने सारे एंड्रॉयड एमुलेटर्स पर। हमारा एंड्रॉयड एमुलेटर यूज करने का पर्पज ही यही है कि उसमें बाय डिफॉल्ट रूट इनेबल्ड होता है, तभी हम सब कुछ कर पाते हैं। एक्चुअल मोबाइल पे हम इस टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि हमारा एक्चुअल मोबाइल रूटेड नहीं होता है और उसको रूट करने का प्रोसेस जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है। उन सबसे बचने के लिए हम एंड्रॉइड एमुलेटर यूज करते हैं। तो चलिए ये हमारा हो चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है
वो है एक ऐप है जो हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, इसका नाम है रूट सर्टिफिकेट मैनेजर। हम जाएंगे प्ले स्टोर पे और रूट सर्टिफिकेट मैनेजर हम इंस्टॉल कर लेंगे। ये रही वो ऐप और मैंने इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर दिया है और ये इंस्टॉल हो रही है, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो देखिए ये इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे अपने आईपी और पोर्ट नंबर को एंटर करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे सेटिंग्स वाले बटन पे और उसके बाद ये जो नेटवर्क एंड इंटरनेट वाला ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। अगेन हम नेटवर्क ये इंटरनेट का ऑन ऑप्शन वाला आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए ये वायर्ड SSID लिख के आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए प्रॉक्सी में यहाँ पे नल लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन है इस पर क्लिक करेंगे और इसको मैनुअल कर देंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे अपना आईपी एड्रेस जो अभी हमने नोट किया था 192.168.0.103 जो मैंने अभी आपको अपना आईपी कॉन्फ़िग करके नोट करवाया था, जो आपको दिखाया भी था मैंने। तो आपको अपने सिस्टम का डालना है, मेरे सिस्टम का नहीं डालना है, जो आपके सिस्टम पे आ रहा होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है और नीचे पोर्ट नंबर डालना है जो फिल्टर पे आपका था, जैसे मेरा 8888 था मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो इतना करने के बाद आपको इस सेटिंग्स को सेव कर देना है, ये मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया है। तो ये सब करने के बाद आपको बैक कर देना है और अपनी होम स्क्रीन पे आ जाना है। तो देखिए दोस्तों ये सब करने के बाद आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे आपको एक स्पेशल URL टाइप करना है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, IPv4.fiddler:8888 ये आपको यहाँ पे टाइप करना है। और अगर आपने सारे स्टेप्स अब तक के ठीक किए होंगे तो आपके ब्राउजर पे ये पेज आएगा जिसमें लिखा हुआ है फिल्डर इको सर्विस। इस तरह का डिस्प्ले आपके पास आना चाहिए, आपके ब्राउजर पे फिल्डर इको सर्विस करके लिखा हुआ आना चाहिए। अगर आपने सारे स्टेप सही किए हैं तो ये आ जाएगा, अगर कहीं भी कोई मिस्टेक आपने की है तो ये नहीं डिस्प्ले होगा। आप वीडियो को फिर से पीछे करके एक बार फिर से देख लीजिए कि कहाँ पे आपने क्या मिस्टेक करी है और उसको करेक्ट कर लीजिए, तो ये पेज आपका डिस्प्ले हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से मैं जो भी आपको बताऊंगा आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से सेटअप जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, इतना ईजी नहीं है जितना कि मेमो प्ले पे था, क्योंकि मेमो प्ले आपका एंड्रॉइड 7 पर करता है, वहां से सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना बहुत ईजी है, पर एंड्रॉइड 7 एंड अबव पे सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करना इतना इजी नहीं है। यहाँ पे जब अभी मैं फिल्डर रूट सर्टिफिकेट पे क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड ये इंस्टॉलेशन पे एक एरर देगा जो कि एंड्रॉइड 7 पे नहीं आता है। तो अभी यहाँ से आप थोड़ा ध्यान से देखना, पूरे यूट्यूब पे आपको एंड्रॉइड 12 पे मोबाइल ऐप्स का ट्रैफिक कैप्चर करना कोई भी नहीं बताएगा, जो भी आपको बताएगा वो एंड्रॉइड 7 तक ही बताएगा। पहली बार यूट्यूब पे मैं आप बता रहा हूँ कि एंड्रॉइड 7 से अबव यानी कि लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पे आप मोबाइल ऐप्स का ट्रैफिक कैप्चर कैसे करोगे, तो जरा ध्यान से मुझे फॉलो करना और वीडियो पूरा एंड तक देखना। तो देखिए फिल्डर रूट सर्टिफिकेट पे मैं क्लिक करूंगा और जैसे मैंने क्लिक किया देखिए एरर मैसेज आपके सामने आ चुका है। इसमें ये लिख के दिखाएगा कि दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम नल मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन सेटिंग्स, ओनली इंस्टॉल CA सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस यू ट्रस्ट। ये यहां से आपको डायरेक्टली इस सर्टिफिकेट को इंस्टॉल नहीं करने देगा क्योंकि ये एंड्रॉइड 12 है, एंड्रॉइड 7 से अबव का वर्जन है। तो यहाँ पे जो गूगल ने कुछ सिक्योरिटी सेटिंग्स में चेंज किया था तो जिसकी वजह से यहाँ पे सर्टिफिकेट इंस्टॉल डायरेक्टली नहीं होता है। ये यही सेम प्रोसेस अगर आप मेमो प्ले पर करेंगे जो कि एंड्रॉइड 7 पर रन करता है तो वहां पे ये यहाँ से डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा, पर एंड्रॉइड 12 पे ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉल करने का तरीका अलग है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या है, सर्टिफिकेट इंस्टॉल तो नहीं हुआ है लेकिन ये डाउनलोड जरूर हो गया है। ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होके आपके एमुलेटर के डाउनलोड फोल्डर में जाके सेव हो गया है। चाहे तो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, आपको अपने एमुलेटर के डाउनलोड फोल्डर में ये पड़ा हुआ मिल जाएगा। तो चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ सेव हुआ है। अगर हम यहाँ पे जाएंगे और फाइल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फिल्डर का सर्टिफिकेट जो है सेव हो चुका है। यहाँ पे दो शो हो रहे हैं क्योंकि मैं एक ऑलरेडी पहले भी कर चुका था, चलिए मैं एक को डिलीट कर देता हूँ। तो ये इस तरह से डाउनलोड होकर यहाँ पे आपके डाउनलोड फोल्डर में सेव हो जाएगा। अभी ये इंस्टॉल नहीं हुआ है, ये सिर्फ डाउनलोड हुआ है। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, क्योंकि आपको अगर आप किसी भी मोबाइल ऐप का ट्रैफिक कैप्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए इसका आपका सिस्टम रूट सर्टिफिकेट स्टोर में इंस्टॉल होना मस्ट है। जब तक कि वहां पे इंस्टॉल नहीं होगा आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको एक ऐप का यूज करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताई थी, जो हमने प्रीवियस स्टेप में इंस्टॉल करी है, जिसका नाम है रूट सर्टिफिकेट मैनेजर। आपको इसको ओपन करना है और इसको ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है
जिसमें ये फोल्डर का स्ट्रक्चर बना हुआ है ये वाला, आपको इस पर क्लिक करना है लाइक दिस, और यहाँ से आपको अपने फिल्टर यूज सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको ऑप्शन ले लेना है इम्पोर्ट। ये ऑटोमेटिकली ये ऐप क्या करती है, रूट सर्टिफिकेट मैनेजर, ये ऑटोमेटिकली उस सर्टिफिकेट को सिस्टम रूट सर्टिफिकेट स्टोर में इंपोर्ट कर देगी, आपको मैनुअली कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा तो ये इंपोर्ट हो जाएगा, लिखा हुआ आ गया है सक्सेसफुली कॉपीड। अब जब आप अपने लैपटॉप पे या अपने सिस्टम पे फर्स्ट टाइम करेंगे तो वहां पे आपको ये इसको रूट परमिशन अलाउ करने के लिए बोलेगा। मैं इस स्टेप को ऑलरेडी एक बार कर चुका हूँ इसलिए मुझे नहीं शो कर रहा है, पर आपको वहां पे इसका रूट एक्सेस को अलाउ करना पड़ेगा। उसमें आपको दो ऑप्शन आएंगे कि अलाउ दिस टाइम ओनली या अलाउ फॉरएवर, तो आप अलाउ फॉरएवर वाला ऑप्शन टिक कर लेंगे ताकि बार बार आपको वहां पे डायलॉग बॉक्स शो ना करे। तो अलाउ फॉरएवर करने के बाद ये आपका जो सर्टिफिकेट है वन टाइम में ही वहां पे सेव हो जाएगा सिस्टम रूट सर्टिफिकेट स्टोर में। इसके बाद आपको आगे कुछ भी नहीं करना है। अब आप अपना किसी भी एंड्रॉइड ऐप का जो ट्रैफिक है वो बहुत इजीली फिल्टर पे कैप्चर कर पाएंगे। मैं लाइव आपको भी करके दिखाता हूँ। आपको मैं एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ऐप इंस्टॉल करके रखी है जिसका नाम है booking.com, और ये रहा मेरा फिल्टर यहाँ पे ओपन है। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ और देखिए मैं आपको लाइव यहाँ पे इसका ट्रैफिक अभी कैप्चर करके दिखाऊंगा। बड़े आराम से हम ट्रैफिक कैप्चर कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत हमें यहाँ पे नहीं आने वाली है। ये देखिए मैं दोनों को साइड बाय साइड कर लेता हूँ ताकि आप देख सकें आराम से कि booking.com ऐप पे मैंने क्लिक किया है, ये ओपन हो गई है, और आप साइड में फिल्टर की स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फिल्टर पे ट्रैफिक आना शुरू हो गया है। और यहाँ पे देखिए मैं कुछ भी एक्टिविटी करता हूँ, सपोज़ फ्लाइट पे क्लिक करता हूँ और कोई भी फ्लाइट का बुक करने की ऐसे में कोशिश करता हूँ कोई भी रूट डाल के, सपोज मैं दिल्ली टू बॉम्बे यहाँ पे डालता हूँ और मैं इस पर सर्च पे क्लिक करता हूँ, उसका साइड में आप देख सकते हैं कि कैप्चर में आपके पास उसका जो ट्रैफिक है वो कैप्चर होके आ गया है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो कहाँ कैप्चर हुआ है। ये देखिए ये रहा वो URL जो मैंने अभी एंटर किया है, इस URL को आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड में दिल्ली टू बॉम्बे लिखा हुआ आ रहा है और नीचे उसका रिस्पॉन्स भी मेरे पास आ चुका है। फिल्टर पे ऊपर रिक्वेस्ट है, नीचे रिस्पॉन्स है, और ये रहा उसका कम्प्लीट रिस्पॉन्स। ये सब कुछ यहाँ पे मेरे पास कैप्चर हो चुका है। तो ये था दोस्तों कम्प्लीट वीडियो जिसमें मैंने आपको दिखाया कि आप किस तरह से अपने एंड्रॉइड के लेटेस्ट वर्जन पे एंड्रॉइड 12 पे मोबाइल ऐप्स का ट्रैफिक कैप्चर कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आपको सिंपल से कुछ स्टेप फॉलो करने हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स पे आप लिख के भेजिए अपने क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही इस तरह का कंटेंट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि आगे और भी बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।